बिग बॉस सीजन 16 की हिस्ट्री में अब तक ऐसा टास्क नहीं आया था राशन को लेकर, लेकिन अब आ गया है। भाई इस सीजन में बिग बॉस ने एक बात तो साबित कर दी कि सिर्फ और सिर्फ राशन पर भी पूरा सीजन चलाया जा सकता है। राशन नॉमिनेशन कैप्टेंसी नॉमिनेशन राशन, इन्हीं तीनों पर पूरे सीजन चल गई है और अच्छी खासी चल गई है। सीजन चल गया है सीजन अच्छा खासा, बिकॉज टीआरपी भी ताबड़तोड़ आ रही है। सो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि घर के अंदर जितने कंटेस्टेंट्स हैं, अब कैप्टेंसी हो चुकी है, नॉमिनेशन हो चुकी है, तो अब अगला क्या है, अगला है राशन टास्क। अब राशन कमाने के लिए इस बार आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अब तक आपको वार करना होता था, लेकिन अब आपको उस वार को इग्नोर करना है। जी हां, घर के अंदर कई लोग आएंगे, बिग बॉस ने अनाउंसमेंट कर दी है, प्रोमो काफी वायरल हो रहा है, घर के अंदर कई सारे लोग आएंगे और ये सारे लोग आकर आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, आपको मेंटल रिएक्शंस, यू नो, मेंटल लेवल पर उकसाएंगे, फिजिकल लेवल पर उकसाएंगे, यू नो, आपकी आंखों के सामने आएंगे, लेकिन आपको उन्हें इग्नोर करना है, आपको बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है। और इसी बीच सुंबुल के लिए कौन आया, एनी गेसेस? जी हाँ, पापा तौकीर सुंबुल के लिए कई बार घर के अंदर आ चुके हैं, कभी फोन के जरिए, कभी खुद आ चुके हैं, लेकिन इस बार ना ही वो खुद आए हैं, ना ही फोन आया है, बल्कि उनकी चिट्ठी आई है। जी हाँ, और वो चिट्ठी सुंबुल को पढ़कर सुनाई गई है बकायदा। वैसे मेरे हिसाब से काफी अनफेयर है, या तो पूरे घर वालों को चिट्ठियां सुनाई जाए, लेकिन टीना को चिट्ठी सुनाई गई है, घर से आई हुई चिट्ठी सुंबुल को सुनाई गई है, जिसमें कि सुंबुल के पापा ने काफी कुछ लिखा है सुंबुल के लिए। चलिए मैं उसकी एक झलक आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी, फिर उसके बाद सुनाऊंगी भी। सभी घर वालों को जो है, यू नो, लाइन से खड़ा कर बताया गया है कि समय समय पर घर में डोरबेल बजेगी और लोग अंदर आएंगे, और लोग जब अंदर आएंगे तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, वो चाहे जो मर्जी कहें, जो मर्जी करें, अगर आपने रिएक्ट किया तो आपके हिस्से का राशन जो है वो चला जाएगा। आपके जब जब एक एक रिएक्शन मिलेगा, एक एक टोकरी घर से जाती रहेगी। और इसी बीच घर वाले जो है वो प्लानिंग शुरू कर चुके हैं कि कुछ भी हो जाए हमें रिएक्शन नहीं देने। अब मैं आपको बता दूं कि राशन टास्क कंप्लीट करने के लिए घर के अंदर जो लोग आए हैं वो टीम के ही कई लोग हैं, कई क्रू मेंबर्स हैं। कई लोग आते हैं, सबसे पहले तो वो आकर शालीन के सामने, यू नो, चिकन खाने की कोशिश करते हैं। मैं प्रोमो देख देख कर आपको बता रही हूँ कि देखिए शालीन के इर्द गिर्द बैठ कर वो चिकन खा रहे हैं, लेकिन शालीन को रिएक्शन नहीं देना, क्योंकि अगर शालीन ने रिएक्ट किया तो उनके हाथ से राशन चला जाएगा। और जानबूझ कर ही चिकन वाला एंगल रखा गया है ताकि हंसी आए सबको। और टीना को, ये देखिए टीना के लिए लेटर जो है वो पढ़कर टीना को सुनाया जा रहा है, लेटर आया है टीना को। बिग बॉस के प्रोमोज में जो शख्स अपनी आवाज देते हैं उन्होंने लेटर पढ़कर सुनाया है, साजिद के सामने भी। बेटा, यही दुआ देना चाहता हूँ कि मुस्कुराती रहे तो गुलों की तरह। ये जो भी आपने आवाज सुनी, ये सुंबुल के लिए लेटर आया है, और सुंबुल काफी इमोशनल होती नजर आई इस लेटर को पढ़कर, लेटर को सुनकर। लेकिन कोशिश उन्होंने पूरी की कि वो ना रोएं और वो शांत रहें, क्योंकि अगर वो रो पड़ेंगी तो उनके हाथ से ये पॉइंट चला जाएगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि सुंबुल रो पड़ी है। आपको क्या कहना है इस अमेजिंग टास्क पर, बताइएगा जरूर।